हेलो फ्रेंड्स माय सोल पर्पस माय सो मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप और मैं तो बहुत अच्छी हूँ बिकॉज़ आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश कल रात का देखिए पूजा की घंटी बज गई कल रात का एज एज का पोर्टल का मेरा बहुत ही सुपर मेडिटेशन रहा और बहुत ही आज एक नया तरोताजा दिन महसूस हो रहा है एंड अच्छा इसके पहले बताना चाहूँगी कि कल की डेट में हमारे चैनल पे दो तीन रीयूनियन हुए थे जिसमें से एक दो की मैंने कम्यूनिटी में पोस्ट डाली थी और एक डिवाइन फैमिली ने अपने डिवाइन मास्किन से मैरिज करी होपफुली मैं बहुत जल्दी उनका कुछ रहेगा तो आप के सामने लेके आऊँगी ओवरऑल कल का दिन आ, हमारी सोर फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा था बहुत ही अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है आप लोगों का भी बहुत अच्छा रहा होगा बस मुझे रात में एक दो मेल जो आए थे जो मैं सुबह मैंने पढ़े कि मैम हम लोगों का मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ पर उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिविटी फील हो रही थी हाँ तो इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों जब भी आप किसी मेडिटेशन के बाद अपने आप को इतना हाई वाइब में लेके आ जाते हो फिर कल का तो पोर्टल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था ठीक है तो इस प्रकार की एनर्जीज हमेशा आपकी वो लाइट वो आपकी वो ऊर्जा को आपसे चुराना चाहेंगी तो अक्सर ऐसे ट्रिगर हो सकते हैं किसी किसी में इट डिपेंड्स कि आप कितने लाइक डीप एम्पैथ हो इफ़ यू आर रियली अ ट्रू लाइट वर्कर तो आपका आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आ, आपने एक अच्छा मेडिटेशन किया आपको बहुत पॉजिटिव लग रहा है पर उसके कुछ टाइम बाद एकदम से वो लो एनर्जीज आपकी वो लाइट आपसे चुनाना चुराने आएंगी तो यू मस्ट मे बी आपको अवेयरनेस में रहना चाहिए आगे से आप अवेयरनेस में रहिए या यू मस्ट लॉक योर एनर्जी ये आपको पता होना चाहिए एवरीथिंग ठीक है सो so, एक ये क्वेश्चन था इसके अलावा कल का जो मेडिटेशन था आप लोगों के मैसेजेस की बौछारें <laughs> मेरे व्हाट्सएप पे आ रही थी सभी को बहुत अमेजिंग लगा अमेजिंग अमेजिंग सुपर अमेजिंग उसके लिए थैंक यू सो मच इसलिए आज कम्युनिटी में मैं भी बौछारें डालने वाली हूँ आप लोग आप ही लोगों के मैसेजेस जो मुझे आए हैं उसकी जो आप लोगों ने मुझे सराहा है मोटिवेट किया है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए आप सभी को ढेर सारा आभार मैं कम्युनिटी में ज़रूर आप लोगों की जो भी आई है पोस्ट उनको शेयर करूँगी और तह दिल से आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ मेरी मेहनत को सढ़हने के लिए ठीक है अपना आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखिए चलिए आज का जो मेन वीडियो है जो टॉपिक है एंड यस टॉपिक से पहले जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है आप लोग अभी भी ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खो दिया है 12 अगस्त तक हमारा ये पोर्टल का अब जो है असर रहता ही है और उसके आगे पूरे महीने रहता है सो डोंट वरी आप लोग भी उसका बेनिफिट आगे उठा सकते हैं प्राइजेस uh, बिल्कुल वही रहेंगी नॉमिनल जो है ओके okay, uh, जो मुझे क्वेश्चन आया था एक डिवाइन फॉमिनल का कि हालांकि क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि डीएम बार बार आके जो ट्रिगर करते हैं उस बवाल को कैसे रोकें? आई थिंक ये सभी का क्वेश्चन है कि जो ये आके ट्रिगर करते हैं उस बवाल को कैसे रोका जाए ठीक है uh, अब सोचने वाली बात ये है कि डीएम uh, इतना ट्रिगर करने क्यों आते हैं सबसे ज्यादा आप लोग कहोगे कि मैम डेफिनेटली वो हमें कोई लेसन सिखाने आते होंगे हमारा कोई टेस्ट लेने के लिए आते होंगे बिल्कुल सही बात है बट ये सोचिए कि वो इतना अजीब इतना वियर्ड कभी कभी क्यों बिहेव करते हैं वो आप लोगों का मेन क्वेश्चन था जैसे कि मुझे मेल में था जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बिना किसी कारण ब्लॉक कर देना आपने अच्छे से बात करी यू डोंट नो कल आपको ब्लॉक कर दे या बिना बात के ही कोई ऐसी फरमाइश करना और फिर अगर आपने उस फरमाइश को पूरा नहीं किया तो बुरा मान जाना ठीक है या आप का कोई भी बात को लेडगो करना मतलब अगर सपोज की उन्होंने उनकी फरमाइश करी ओके okay, आपने उस फरमाइश का जवाब बहुत ही साइलेंटली दिया अच्छे से दिया यू ट्राई टू लेट गो बट फिर भी आपको उखाड़ उखाड़ के उस बात को बोल करना चलिए आपने आज गो करके फ़ोन रख दिया तो अगले दिन फिर से वो उसी बात को करना चाहेंगे उखाड़ेंगे ठीक है कि आप बोलो यू मस्ट स्पीक ऑन दैट टॉपिक कि तुमने ऐसा क्यों किया ठीक है ये कुछ जनरल एग्जांपल्स मेरे सामने आए थे आप लोगों की ही काउंसलिंग में उसके अकॉर्डिंग मैं बु बता रही हूँ तो उसके बाद आपने किस चीज़ के लिए मना कर दिया ठीक है आपने क्योंकि मना कर दिया वो बुरा मान गए अगली बार आपने लेडो किया तो फिर वो उखाड़ेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया तुम ऐसी हो तुम वैसी हो आंटीस की आपके आप अपना मुंह ना खोलो उनको पूरी क्लैरिटी ना दो और जैसे ही आपने क्लैरिटी दी वो फिर बुरा मान जाएंगे बवाल खड़ा भी वही करते हैं इग्नोर भी नहीं करने देते हैं राइट और फिर सुनना भी है जानना भी है कि क्यों किया और उसके बाद रूट भी जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग भी करके चले जाएंगे चार सुना के भी चले जाएंगे राइट सो so, इतना वियर्ड बिहेव ये क्यों करते हैं बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा करते हैं कभी कभी सो so, एक बात तो मैं आपको बताना चाहूँगी समथिंग डिफरेंट इन दिस वीडियो कि ये सब वो खुद चाहकर भी नहीं कर रहे हैं कभी जो लोग का यूनियन हो चुका है वो जाके अपने डीएम से पूछिए कि आप उस टाइम पे ऐसा बिहेव क्यों करते थे रियली really, वो खुद आपको ये जवाब देंगे कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो जाता था राइट right? क्योंकि ये वो सब चाहकर भी नहीं करते हैं तो कौन करता है देखिए एक बात याद रखिए हम सब इस प्लेनेट पे पपेट्स हैं मैंने कई बार बताया है ठीक है और हमारे इस माइंड को एक्चुअली में हम भी नहीं चला रहे हैं सूक्ष्म जगत की एनर्जी चला रही है ठीक है जब आपका कोई टॉक्सन आपके अंदर से बाहर निकालना है आपको कुछ कुछ सिखाना है चलिए आपके अंदर सपोज ईगो का टॉक्सन है मान लीजिए ठीक है और आपने इस चैनल पर वीडियो देख लिया कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट या आपको बहुत ही लाइक uh, एलिगेंटली like, में चोटी के साथ डील करना है अब ये नहीं कह रही कि मैंने गलत बताया है तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों के अमेजिंग रिजल्ट आए हैं आप में से बहुत लोगों के पार्शल यूनियन परमानेंट यूनियन बदल गए इसी बिहेवियर के कारण से ओके okay. बट एक चीज़ और भी है कि क्योंकि वो टॉक्सिन आपके अंदर रह गया फॉर एग्जाम्पल तो वो टॉक्सिन को बाहर निकालना है उनको तो वो आपको तब तक ट्रिगर करते हैं जब तक कि आप का वो टॉक्सिन बाहर नहीं आ जाता तो वो कौन करता है उनको करवाया जाता है उनके उनसे ऐसा वियर्ड बिहेव करवाया जाता है उनके माइंड को नम कर दिया जाता है समटाइम्स वो ब्लॉक कर देंगे समटाइम्स आपको एक साल के लिए ब्लॉक करेंगे दो तीन साल आप उनको कॉल कर रहे हो आपको कॉल कट कर देंगे जब तक कि आप उस टॉक्सिन पे काम नहीं कर पोगे तो राइट तो आपके डीएम एबनॉर्मल नहीं है ना ही वो वियर्ड पर्सनैलिटी है उनसे ये सारा वियर्ड काम कराया जाता है पर्पज ये है कि यू मस्ट नो द टॉक्सिन मैंने क्यों कहा था कल की वीडियो में कि योर पर्सन इज द ओनली पर्सन हु कैन थ्रो लाइट इन योर डार्केस्ट कॉर्नर इवन शायद आपके अपने जो स्पाउस है उनको भी नहीं पता होगा कि आपके अंदर क्या क्या क्या, क्या, क्या कमियां हैं आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा पर आपके पर्सन को पता होता है राइट right? तो उस उस कोने में जाके उस डार्केस्ट कोने में जाके दैट कॉर्नर पे लाइट थ्रो करके बाहर जब तक वो नहीं आ जाएगा ठीक है ना वो आपको ट्रिगर करते हैं वो आप इस प्रकार से वियर्ड बिहेव करते हैं और आप लोग जब कॉन्स्ट में कहते हो मैडम मुझे तो समझ भी नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया या आप कहते हो मैडम मेरा डीएम तो अवेकन ही नहीं हुआ बिकॉज आप उसको थ्री का एक पर्सन की तरह देखते हो और आप कहते हो मैम तो मैं इतने दिन से इनर वर्क कर रही हूँ पर मेरा डीएम तो अवेकन ही नहीं हुआ आप इनर वर्क कर रहे हो आप अपने स्वभाव में बदलाव नहीं लेके आ रहे हो बहुत से केसेस आए हैं ऐसे छह महीने से साल भर से इनर वर्क कर रहे हैं पर अपने स्वभाव में बदलाव बिल्कुल भी नाए एक रूटीन की तरह शाम को मेडिटेशन वाला सेशन करना सुबह 50 मिनट्स का मेडिटेशन करना उसके बाद आप अपनी यूजुअल लाइफ में ऐसे हो कि हर हफ्ते एक व्रत करना होता है नहीं आपको अपने इसलिए मैं अब ये जो शैडो वर्क ऐसी स्पेसिफिक लैंग्वेज अब कम बोलूँगी सीधे बोलूँगी स्वभाव में काम करना और मैं लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली कि ओवरऑल ये जर्नी आपके स्वभाव को ठीक करने की है और ये इनर चाइल्ड सब जो जो वोकेबलरीज हैं ओवरऑल वन इन वन वर्ड्स आपका स्वभाव क्योंकि इनर चाइल्ड में भी जो आपका रहा होगा ईशू जो भी आपने सहा होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपके आज का स्वभाव बन गया ठीक है आपके पास्ट लाइफ में जो भी आपके कर्मिक वुंड्स रहे होंगे उसके कारण से जो आपका आज स्वभाव बन गया या जिंदगी में जो भी आपने सहा उसके कारण से आपका आज जो भी स्वभाव बन गया उस स्वभाव पे आपको काम करना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो मेरे कुछ सब्सक्राइबर इनर चाइल्ड हीलिंग करवा रहे हैं ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं लेट मी टेल यू इन वोकेबलरीज में मत फँसीए सिंपली आपको अपना स्वभाव ठीक करना है चाहे वो स्वभाव किसी भी कारण से खराब हुआ हो पास्ट लाइफ के कारण से इनर चाइल्ड के कारण से ये सब की जरूरत नहीं है रिग्रेशन और इनर चाइल्ड अल्टीमेटली अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके खुद ही खुद को एनालाइज करके अपने स्वभाव को ठीक करना है जो जहाँ जहाँ वो लाइट थ्रो कर रहा है वहाँ वहाँ पर उस चीज़ को बाहर ला के रख के कि ओके मेरी मेरी ये डार्केस्ट साइड वो दिखा रहा है ओके एनालाइज करिए उस पर काम करिए दैट सेड इतना ही है इनर वर्क जो शेडो वर्क जिसको आप लोग बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स देते हो राइट right? बस इतना ही है एंड रेस्ट आपके कर्मा क्योंकि ये मोक्ष की जर्नी है एनलाइटमेंट की जर्नी है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जर्नी तो है नहीं तो आपको अपना कर्मा पूरे पास्ट लाइफ का हील करना होगा खुद ही करना हो जैसे कि मैंने आपको कल विशेष में बताया था मैनीफेस्टेशन में अपना डीएनए हील करना होगा अपने एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर करने होंगे राइट अपने आ, हर हर टाइम एंड स्पेस में हर डायमेंशन में पास प्रजेंट एंड फ्यूचर फॉरगिवनेस को देना होगा ये सारे काम करने हैं रेस्ट ठीक है एक मैं आपको इसी टॉपिक पे एग्जांपल देना चाहूंगी जो रिसेंटली आया था कि एक जीएफ की ने कभी अपने डीएम को पिक भेजी होगी ठीक है एंड वो उसकी वाइफ को उसके हस्बैंड लाइक डीएम के फ़ोन uh, पे मिल गई किसी की राइट right? और बवाल हो गया था रिसेंटली व्हाट हैपन कि वो पर्सन उस डीएफ को इग्नोर करने लग गया ठीक है डी परेशान हो गई ट्रिगर्ड हो गई कि भई तुम्हारे फ़ोन पे मेरी फोटो दिख रही है तो मेरी क्या गलती थी तुमने डिलीट क्यों नहीं करी फॉर एग्जांपल, वो और ज़्यादा ट्रिगर हो गई और ऑब्सेशन में आ गई और पॉजिटिव हो गई घबरा गई और कुछ उसने ऐसा कुछ कम्युनिकेशन किया कि चलो कम से कम इनसिक्योरिटी में आके चलो मेरी मांग भर दो और आ, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे ज़िंदगी में कभी छोड़ोगे नहीं और इस डर के मारे कि वो छोड़े न, छोड़े ना उसको उस, दे मीट फिज़िकली ठीक है फिज़िकल मीटिंग के बाद अगले दिन वो बंदा गायब मांग भी भर दी फिजिकली मीटिंग भी हो गई और उसके बाद अगले दिन वो गायब अब वो उसको कॉल पे कॉल लगा रही है कि आ, ऐसा क्या हो गया मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो क्या मुझसे भी गलती हो गई उसने ये भी क्लरिफिकेशन दिया कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे मोबाइल पे अगर पिक देखी है मेरी तो इसमें मेरी क्या गलती है तुम मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हो मुझे क्यों विक्टिम बना रहे हो तो उस बंदे ने ये कहा कि तुम मुझे इतना परेशान करोगी तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगा मैं अभी बिजी हूँ मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ उसने फिर भी आउट ऑफ क्योंकि आई थिंक न्यू सब्सक्राइबर है शायद इतने वीडियोस देखे नहीं होंगे एंड आउट ऑफ दैट बहुत बार कॉलिंग कॉलिंग एंड अल्टीमेटली उस बंदे ने ब्लॉक कर दिया अब आपको ये लगता है कि मैं शादी कर लूँ मांग भर लूँ तो वो मेरा हो जाएगा या मैं फिजिकल कर लूँ तो वो मेरा हो जाएगा ये एनर्जेटिक रिलेशन है लेट मी टेल यू आप कुछ भी प्रपंच कर लो अगर यूनिवर्स ने उसका माइंड नम करना है तो वो करेगा आप कुछ नहीं कर सकते ये बात इतना बारीकी से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि औरों की जिंदगी बच जाए ठीक है क्यों यस yes. पॉइंट सही है डी का कि भाई गलती तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे मोबाइल पे फोटो देखी तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो तुम वाई कैंट यू मैनेज बोथ द रिलेशंस अगर तुम आए हो तुमने फिजिकली भी कर लिया तो तुम अब रिलेशन मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हो वाई यू आर बिहेविंग सो वियर्ड बिकॉज यहाँ पर उसके डीएम ने उसको ब्लॉक करके उसकी डार्केस्ट कॉर्नर में ये एनर्जी थ्रो करी है कि फर्स्ट यू लव योर डोंट कोडिपेंडेंट ऑन मी मैं तुम्हारा डी एम हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन राइट नाव आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यू बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू लर्न सेल्फ लव एंड इंडिपेंडेंट इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बिकॉज द सब्सक्राइबर इज न्यू तो ये चीज़ें आप लोगों ने सबने देखी होगी इन द बिगनिंग तो दिस थिंग तो अब आप एनालाइज कर सकते हो कि डीएम बिना किसी कारण को अब डीएम एस भी अकेले कहते हैं डीएम चीटर है डीएम बुरा है डीएम नासिस्ट है नहीं वो पर्सन को वो जो भी बिहेव कर रहा है ही इज अ पपेट ओनली उससे करवाया जा रहा है जैसे कि आप अपने आप पे काम करो ठीक है इसी प्रकार लेट मी टेल यू जैसे कि हम कहते हैं ना पैसा माया होती है और लोग जैसे कहते हैं जगत माया है लिटरली ये जगत में हर इंसान पपेट है सिवाकर डीएम ही नहीं है जैसी आपकी जहां आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा कहते ना आ, आ, आपको जिस रंग का चश्मा देखोगे दुनिया उसी रंग की दिखाई देगी आपको राइट उसी प्रकार से जैसे ही आप, आपने नजर बदली नजारे बदल जाएंगे मतलब कि जैसे आपने आपकी एनर्जी चेंज हुई जो लोग जिस लोग भी सोसाइटी में जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं उनके बिहेवियर चेंज आएंगे आप अब आप ज़िंदगी को कुछ इस नज़रिए से देखना शुरू करो आपकी एनर्जी जैसे ही चेंज हुई कई आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे जिसको आप चाहते थे कि वो चले जाए कई आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे ठीक है ना पूरे नज़ारे चेंज हो जाएंगे जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज बिकॉज एवरी इज़ एनर्जी एंड इंटरकनेक्टेड राइट और आपकी एनर्जी चेंज होगी आपकी ज़िंदगी के सारे सिनेरियो चेंज हो जाएंगे बट पहले आपको अपनी एनर्जी पर वर्क करना है मतलब अपने ब्लॉकेजेस पर काम करना है ठीक है लव यू ऑल कॉटेज यू ऑल